फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूं नीमा। वीडियो शूट करना है मुझे, तैयार मैं हो चुकी हूं, बट बाल जो है ना ये अभी तक सूखे नहीं है। सर्दियों में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आप क्या करते हैं, मैं क्या करती हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। मैं यूज़ करती हूँ हेयर ड्रायर का। सर्दियों में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्मियों में नहीं होती। पंखे के नीचे बैठ जाओ, बाल सूख जाते हैं, बट सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरे से मेरी एक व्यूअर ने पूछा था कि आप कौन सा ड्रायर यूज़ करती हो बाल सुखाने के लिए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा, यह है सस्ता सुंदर टिकाऊ। जी हाँ, सस्ता सुंदर टिकाऊ, क्योंकि ये अंडर 600 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। फिलिप्स जैसा ब्रांड है ये, ऐसा नहीं कि कोई भी लोकल ब्रांड है, फिलिप्स जैसा ब्रांड है ये, जो कि आपको देता है 2 साल की गारंटी के साथ मिलता है आपको। ये देख सकते हो आप यहाँ पे सारा प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। एमआरपी इसका ज्यादा है, बट मैंने ये मंगवाया है अमेजोन से, या फिर आपको ये अपने लोकल स्टोर पे भी मिल जाता है। फिलिप्स के तो हर जगह मिल जाते हैं, ये आपको अंडर 600 रुपीज मिल जाता है। मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कैसे मैं इसे यूज करती हूँ, क्या क्या इसकी सारी क्वालिटीज है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। लुक वाइज ये इस तरीके का लगता है। इसके आगे के लिए आपको ये नोजल मिलता है जो आप इस पर लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक होता है गर्म हवा के लिए और ठंडी हवा के लिए, और एक होता है सिर्फ गर्म हवा के लिए। मैंने जो लिया है वो सिर्फ गर्म हवा वाला है, क्योंकि ठंडी हवा की जरूरत नहीं है। गर्मियों में हमें बाल सुखाने के लिए ठंडी हवा की जरूरत नहीं होती, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, बाल सूख जाते हैं। सर्दियों में इसकी जरूरत थी मुझे, तो मैंने सस्ता ढूंढने के चक्कर में मैंने सिर्फ इसमें 1 ऑप्शन वाला लिया है, जिससे सिर्फ गर्म हवा मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने बालों को सुखा सकते हो और आपको किन किन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो तो। बालों में कुछ भी हीट देने से पहले मैं हीट प्रोटेक्टिंग सीरम जरूर यूज करती हूँ। मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रीक्स का। इसे जरा सा मैंने लगाया है और आप खुद देख सकते हो मेरे बाल कितने मैनेजेबल हो गए हैं। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, बहुत सही काम करता है ये। इसके बाद मैं ब्लो ड्राई स्टार्ट करूंगी। ब्लो ड्राइंग करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है, जिसका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं कभी भी अपने स्कैल्प पे गर्म हवा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ अपने बालों के टिप्स पे लगानी है, बालों की हेयर लेंथ पे लगानी है। बालों के रूट्स पे गर्म हवा मत लगाइए, उससे क्या होता है, उससे गर्म होने की वजह से आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। तो कभी भी स्कैल्प पे गर्म हवा मत लगाइए। इसमें आपको मिलते हैं 2 ऑप्शंस, नंबर 1 नंबर 2। मैंने नंबर 2 कर लिया है ताकि और ज़्यादा तेज़ हवा आए। मैं अपने बालों में और इस ड्रायर में थोड़ा सा स्पेस रखती हूँ, बिल्कुल चिपका के नहीं रखती हूँ इसे अपने बालों से, और इसे थोड़ा सा हिलाती रहती हूँ और अपने बालों को भी हिलाती रहती हूँ। सीधे अगर एक ही जगह पे गर्म हवा लगती है ना, तो उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो अपने बालों को हिलाते रहिए ताकि डायरेक्ट एक ही जगह पे सारी हवा ना लगे। नीचे की तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बालों में गर्म हवा दूँ। इससे क्या होता है ना, इससे आपके बाल चिपकू चिपकू नहीं लगते हैं। अगर आप सीधे सीधे ऊपर से नीचे की तरफ ब्लो ड्राई करोगे ना, तो उससे आपके बाल बिल्कुल चिपके चिपके लगेंगे। कई बारी कई पार्लर्स में मैंने देखा है, जब वो ब्लो ड्राई करते हैं ना, वो कंघी मदद से करते हैं, कंघी यूज़ करते हुए करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके बाल स्ट्रेट लगते हैं। जी हाँ, तो आप सिर्फ ब्लो ड्राई करके अपने बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो चलो अब मैं फटाफट से अपने बाल सुखा लेती हूँ, और मैंने अभी कर रखी है स्पीड नंबर 2, और स्कैल्प पे मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, मैं अपने हेयर लेंथ पे लगाऊंगी। तो अब मैं नीचे की तरफ के भी बाल सुखा लूंगी, क्योंकि स्कैल्प पे थोड़ी सी हवा लग रही है, इसलिए थोड़ा सा अपने ड्रायर को दूर रखिएगा ताकि ज़्यादा हवा ना लगे। जब आप नीचे सर करके सुखाते हो ना, इससे आपके बालों में बहुत अच्छा बाउंस क्रिएट होता है। तो अगर आप बाउंसी बाल चाहते हो तो इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करना। मेरे बाल सूख चुके हैं, देख सकते हैं आप, स्कैल्प से थोड़े से गीले हैं, क्योंकि अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो ना, तो स्कैल्प पे मत लगाइए, उससे बाल टूट सकते हैं। क्योंकि स्कैल्प पे ना, अगर हम ज़्यादा गर्म हवा लगाते हैं, तो उससे बाल खराब होने के चांसेस रहते हैं। हमेशा बालों में ब्लो ड्राई कर रहे हो या फिर कोई भी हीट एलिमेंट यूज़ कर रहे हो ना, जैसे स्ट्रेटनिंग वगैरह कर रहे हो, तो एक हेयर प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ कीजिए। इसे यूज़ करते ही आपके बाल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और जितने भी टैंगल्स होते हैं ना, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने जैसे ही इसे लगाया, उसके बाद मेरे बाल ना बहुत ही मैनेजेबल हो गए थे। तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं यूज़ करती हूँ स्ट्रीक्स का हेयर सीरम। इसकी कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें 2 स्पीड्स मिलती हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है। ज़्यादा तेज़ अगर आप बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप 1 स्पीड पर यूज़ कर सकते हो, अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो 2 स्पीड पर यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब भी आपको चाहिए कि आपको थोड़े से बाउंसी बाल चाहिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूं करके ड्राई कर रहे हो ना बाल, तो आपके बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़े से बाउंसी बाल चाहते हो ना, तो कोशिश करो कि इस तरीके से आप इधर से ब्लो ड्राई यूज़ करो, उधर से ब्लो ड्राई यूज़ करो, और अपने बालों को पूरा नीचे करके नीचे की तरफ से ब्लो ड्राई करो। ट्राई करके देखना, इससे आपके बालों में बहुत अच्छा बाउंस दिखता है। बट अगर आप डायरेक्ट यूं यूं करके ही ब्लो ड्राई यूज़ कर रहे हो ना,
तो ये बिल्कुल फ्लैट कर देता है। अगर आप कंघी की मदद से ब्लो ड्राई कर रहे हो ना, मैंने एक पार्लर में देखा था, उससे आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको किसी स्ट्रेटनर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्लो ड्रायर से आप स्ट्रेटिंग भी कर सकते हो अपने बालों को। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि इसमें है यह 1000 वॉट की, इसके साथ आपको मिलता है नोजल जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना कई बार हम ज्यादा पास से कर देते हैं ना। आपने देखा होगा मैं इतनी दूर से ब्लो ड्राई कर रही थी, क्योंकि डायरेक्ट हीट जब बालों को लगती है तो बाल जल सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा पास से करते हो ना तो इसके अंदर बाल फंस भी सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ था मेरे पिछले हेयर ड्रायर में, उसमें मेरे कुछ बाल फंस गए थे जब मैं बहुत ही नजदीक से ड्राई कर रही थी। तो इसके साथ ये नोजल मिलता है जिससे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो सकती है। 2 साल की इसकी गारंटी मिलती है आपको और इसमें स्पीड्स मिलती हैं 2। तो ये मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो हेयर ड्रायर तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे तो 80% बाल सूख चुके हैं अभी, 20% जो ये स्कैल्प से गीले हैं वो मैं नेचुरली सूखने दूंगी, उसके लिए मैं ब्लो ड्रायर का यूज़ नहीं करूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, और इसका लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है वो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।